अभी हम बैठे हैं ग्राम पंचायत तोगवास। तोगवास ग्राम पंचायत अभी नवसर्जित पंचायत है और यहाँ से ऐसे उम्मीदवार लिच्छमा देवी मेघवाल सरपंच उम्मीदवार जीती है। और लिच्छमा देवी पहले राजकीय लोहिया कॉलेज चूरू से अध्यक्ष रह चुकी है, खुद पूर्ण शिक्षित है और शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप सरपंच पद पर चुनाव जीते हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं ग्राम पंचायत आवास के सभी मतदाताओं का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है। सबसे पहले आपका राजनीतिक करियर क्या रहा? मैं 2015-16 में राज की लोहिया पीजी महाविद्यालय चूरू की प्रथम महिला छात्र संघ अध्यक्ष रही हूँ। ग्राम पंचायत में किस तरह का विकास कार्य करवाओगे? मेरा ध्येय यह है कि ग्राम पंचायत में शिक्षा चिकित्सा के साथ साथ सर्वांगीण विकास करना चाहती हूँ। हम इस वक्त बैठे हैं उनके जनप्रतिनिधि कर्षण मेघवाल जो लिच्छमा जी के पति हैं और पूरे समाज से सर्व समाज से जुड़े हुए रहते हैं और यहाँ पे सर्व समाज ने इनको जो जन सहयोग दिया है आज चुनाव जिता के उम्मीदवार के रूप में ग्राम पंचायत तोगवास में लेके आए हैं, तो हम चाहना चाहेंगे कि युवा है और आगे युवा काल में ये अपने ग्राम पंचायत में नया क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं जब शिक्षा की बात आ रही है तो शिक्षा के बारे में बात करूंगा कि शिक्षा के बारे में यहाँ धरातल पे क्या कमियाँ रही है और आगे ये क्या करना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम तो ग्राम पंचायत तोगावास के सभी मतदाताओं का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हम सबको मतलब आशीर्वाद दिया और 36 कौम के सभी मतदाताओं ने जी जान से मुझे सहयोग और समर्थन दिया, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में बात रही, यहाँ शिक्षा का क्षेत्र इतना मतलब तोगावास पंचायत में घिरा हुआ है कि आज 8वीं तक स्कूल है यहाँ। तो मेरा सर्वप्रथम ध्येय रहेगा कि जल्द से जल्द यहाँ 10th तक स्कूल करवा के उच्च माध्यमिक तक, उसके साथ साथ बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा देने का मेरा पहला प्रावधान रहेगा। कृष्ण जी, आप ये बताओगे कि यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य केंद्र भी है क्या या स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है? नगण्य में माना जाए, नगण्य है यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं, डिस्पेंसरी है और काम चला हुआ चलता है और हमारा ध्येय यही रहेगा इसी वर्ष PSC बना के और नवसर्जित ग्राम पंचायत में आदर्श रूप में बनाएंगे। हमने सर्वे किया, सुनने में ये आया कि आप ही ग्राम पंचायत में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, तो पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों में महिलाओं की भूमिका अहम रहती है और इन तीनों मुद्दों पे आप चर्चा भी कर रहे हैं, तो पानी के लिए आप क्या करना चाहोगे? जी सर, मेरा ग्राम पंचायत के मतलब सभी मतदाताओं ने मुझे पहले भी समर्थन दे के यही कहा था कि ग्राम पंचायत में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मेरा पहला ध्येय यही रहेगा कि घर घर नलकूप व्यवस्था से जोड़ना मेरा मुख्य ध्येय रहेगा। तो आप युवा भी है, शिक्षित भी है और शिक्षा और युवा होने के साथ युवाओं के भविष्य को लेकर के आप चिंतित भी रहते हैं, तो यहाँ पे युवाओं को जो ग्राम पंचायत है खेल मैदान बनवा रही है, पुस्तकालय बनवा रही है, तो युवाओं के बारे में आप क्या विचार रहेंगे? बिल्कुल, मेरी युवाओं से पहले भी मीटिंग हो चुकी थी, युवा मतदाताओं ने मुझे जी जान से समर्थन दिया। आज जो चुनाव जीता हूँ वो सब यूथ की वजह से जीता हूँ, तो मेरा मानना है कि यूथ को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उनके लिए खेल ग्राउंड यानी ट्रैक का निर्माण करवाना है, वॉलीबॉल क्रिकेट इनका मैं पूर्ण रूप से निर्माण करवाऊँगा और बूढ़े बुजुर्ग है, गर्ल्स के लिए है, सुबह दौड़ने वाले लोग हैं उनके लिए मैं पार्क का निर्माण करवाऊँगा। कर्षण जी, हमने आपको 6-7 महीने में देखा है कोरोना काल में, जो गरीब तबके के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और पीड़ित लोग हैं, आपने उस ध्येय पे काम किया कि कोई भी मेरा पड़ोसी भूखा ना सोए, तो आपने जो कार्यकाल में काम किया वो सब हो सकता है कि गांव के मतदाताओं ने, युवाओं ने आप पे भरोसा किया, तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा कि आप जो ये बता रहे हो समस्याएं ग्राम पंचायत की, इनको प्राथमिकता से कहाँ से शुरू करोगे? जी सर, आज जो समर्थन दिया है 512 वोटों से बड़ी जीत हासिल की है, ये सब मतदाताओं की बड़ी मेहरबानी रही है। जी सर, मैंने इन 6-7 महीनों के अंदर विधवा पेंशन से जोड़ना है,
श्रमिक कार्ड बनवाना है, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा से जोड़ना है, यानी अन्य बहुत सारे काम रहे, जैसे कोरोना काल के अंदर सैनिटाइज का छिड़काव करवाना है, टीडीओ का हमला था, टीडी दल को उनको ख़त्म करवाना है, इसके अलावा ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण भी करवाया था, इसके अलावा मास्क वितरण भी करवाया था। ये सारी यानी ये सारे काम किए, इनकी वजह से मतदाताओं ने मेरा जो रुझान था वो परख लिया कि बंदे में कुछ दम है, करने योग्य है, उच्च शिक्षित है। इस वजह से लोगों ने मुझे मत व समर्थन देकर विजय बनाया है और एक युवा हूँ, युवा होने के नाते जी जान से सब युवाओं ने मुझे एक प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया। मैं तोगावास के सभी मतदाताओं का पुनः हार्दिक अभिनंदन व तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।